हमारे साथियों पे आज बर्बाता अपनी गाड़ी चलाई गई है। कहाँ बंद कर रहे हो, कहाँ गया योगी जी? भर्ती सभी लोग बैठ जाओ, बैठो बैठो, सभी लोग बैठ जाओ। आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं, सभी लोग बैठ जाओ। क्या प्लान? बैठो पहले। सब देखो दिमाग खराब कर रहे हैं, देख रहे हो ना? अरे यार मालूम मतलब देख तो सकते हो, आज आज पूरा इको गार्डन भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप दोबारा निकले हुए के लिए अपने मन कर डाइवर्ट कर रहा था, वही आगे खींच गया, मुझसे मना कर रहे। सभी लोग अंदर आ जाओ, मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सबों से। कहाँ जा रहे हो आप लोग? यहाँ बैठे आपका मुद्दा उधर, दूसरा मुद्दा चल रहा धरना, उसमें डाइवर्ट क्या है बांध के बाद? बोला अंदर, बोला बोलो अंदर आए सभी लोग, अंदर आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर अंदर। ये सब बेमतलब काम कर रहे हैं, आवाज नहीं है यार, सुनो सुनो, आवाज नहीं है, सब बोलो यार, आवाज तो देखो फट गई हमारी। हम लोग अपने अधिकार के लिए आप देख सकते हैं कि क्या है आज बहुत साथियों पे हमारी लाठी चली है, आप देख सकते हैं, दिखाइए। प्रशासन ताना शाही रोहिया अपना करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लाठियां बरसाई। हम पिछले तीन साल से भर्ती मांग रहे हैं, बदले में सरकार हमें लाठियां दे रही है, लाठियां। इस तरह से कौन मारते हैं बताइए? हमारे साथियों के ऊपर जिस प्रकार से आज बर्बरता की गई है, इस चीज को हम लोग भूला नहीं जाएगा। ये सरकार जिस अंधकार में है, आपका इलाज होना चाहिए। आपने हमारे साथियों को जो मारा है, कफन बांध के गांव में घुसने दिया जाएगा, ये देख लेना। हम आपको बताना चाहते हैं, अधिकार मांगने के लिए विधानसभा का घेराव किए और प्रशासन ने ताना शाही रवैया अपना के जबरदस्ती लागू जा रही है। और हमारे जिला और पानी लो, पानी पानी लो, पानी भाई को मारा है। इनको इतने बुरे तरीके से खींचा गया है, नहीं, प्रशासन आज विधानसभा घेराव किए, प्रशासन आप लोग देख सकते हो मार के बेहोश कर दिया गया है हमारे साथियों को। अगर कुछ होता है, अगर हमारे साथियों को कुछ होता है तो फिर देख लेना क्या होगा। कोर्ट के में हलफनामा दे कर चलिए चलिए भैया, वहाँ चलिए। अरे भैया भाई हाथ में नहीं जोड़ दो, हाथ में जोड़, हाथ में जोड़ मत, कमर कमर पकड़ी। Thank you.
अरे रुकिए पहले कदम मंगा रहे मैं सही तरह पानी में पिलाइए भैया रुक जाओ अरे कत्ते लाओ यार भाई लेकर अरे यार तुम चकरिया दे दो हवा लगे अपने वहाँ चले चाहिए वहाँ पे अगर हमारे किसी साथी को अगर कुछ होता है तो फिर समझ लेना कि बहुत बुरा हो जाएगा शिक्षा मंत्री और उससे पहले सरकार होगी अरे रखो यार बजाना वीडियो वीडियो ना बनाओ यार कुछ नहीं अरे वीडियो फोटो हटा यार क्या दिखा रहे हो क्या उड़ रहे भाई की बात पता तो चले हमारे साथियों को नकारों को समझ में कहां आता है पता बहुत देर चल रहा है किया जा रहा है इसका कहीं ना कहीं कोई और जवाब मिलेगा हमारे रजत भाई को कितना पुलिस अदारा ने मारा है गाली दिया है आज ये हालत देख रहे हो ये पूरा हमारा परिवार दिख छक्का अभी आपको माफ नहीं करेगा अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो इसका खामियाजा 22 में हर हाल में भुगतना पड़ेगा योगी जी तुमको जिस तरह से हम गाली खाए हैं मार खाए हैं वो फिर भी एक बार बता जाएंगे लेकिन अगर विज्ञापन नहीं आता है तो सोच लेना योगी जी क्या होने वाला है चाय वाले ये विभाग ने छोड़ा भूसड़ी वाले इसके लिए डंडा बना दिया सुबह से बिना खाए पिए लगातार बीजेपी कार्यालय घेराव के बाद दूसरी बार दोपहर में फिर एक बार विधानसभा का घेराव करने गए साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय जी अपने पुलिस प्रशासन द्वारा इतना बलवत्ता पूर्वक भैया थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए सब लोग वहाँ बैठो चलो सब लोग बैठिए वहाँ पे चलिए वहाँ बैठिए सब लोग चार लोग बैठिए सब लोग बैठिए वहाँ पे चलिए भैया चलिए सब लोग वहाँ बैठिए रोजगार चाहिए और चाहिए सबको
नंबर चाहिए उनको, वही ले चलो यहाँ भीड़ लगे पहले भैया रास्ता मैं उठा रहा हूँ यार मुझे ले यार मैं उठाता हूँ साथियों हम लोगों के साथियों के साथ यहाँ पे बहुत बर्बरता की गई है, कई साथियों को मारा गया है और कुछ साथियों को गिरफ्तार कर भी किया गया है और उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है प्रशासन के द्वारा। साथियों आप देख सकते हो कि आज आप देख लोग पूरा प्रदेश के युवा नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस तानाशाही सरकार ने लाठियां बरसा रही है हम लोगों के ऊपर, इस चीज को भूलना मत। ए, वो जिसको गिरफ्तार किया छोड़ा कि नहीं, वो छोड़ दिया ना, चलो ठीक है। चलो धरना स्थल पहुंचो सब लोग। लो बोलो। नमस्कार साथियों, मैं अमन यादव। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं सुबह से यहाँ पे 57 बाजार शिक्षक भर्ती के लिए इको गार्डन में आज संघर्ष चल रहा है, जैसा कि हमारे साथी हर जिले से यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी हम लोग अभी लगातार प्रशासन ने बल का प्रयोग किया है और इससे हम लोग बहुत आहत हैं। अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो उसको आगामी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। आप लोग हमारे साथ आएँ और लगातार ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। और हमारे अमन जी जितना संघर्ष कर रहे हैं लगातार अभी जितना करके आए हैं, आप लोग ध्यान रखिए। हर प्रशिक्षित जिस प्रकार यहाँ पर संघर्षरत है, सब यार 21 लाख लोगों की भीड़ में अगर 10,000-20,000 भी बच्चा यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा तो सरकार के पांव हिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आदमी आना ही नहीं चाहता है। ये जितने हमारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो भी भीड़ हमारी देख रहे हैं आप लोग, इतनी जनसंख्या में यही अगर इसकी 10 गुनी होती भीड़, यही इसकी 10 गुनी भीड़ अगर होती ना, तो अलग ही प्रभाव पड़ता है इसका। अरे दलीलो भैया बैठ जाओ, बैठेंगे तो रणनीति फिर से साझा होगी। और जो कभी नहीं निकला रहे तो रोड पर विजय कराना हो तो, और दूसरा धरना चल रहा है सब दिखा रहा है। नहीं उस रोड पर नहीं, मेन रोड पर। अरे भाई लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है।